अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड स्टाइल विद सिद्रा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ धर्मा राजी का स्टूपा टैक्सिला में। और ये देखें, ये इसका मेन डोर है, मेन डोर नहीं है, जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ ना इस वक्त, वो मेन डोर है की जगह। और उसके धर्मा राजी का स्टूपा के सामने से इस तरीके से एक ये रोड है जो कि आगे तक जा रहा है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत नाइस प्लेस है। और ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, ठीक है। और जब आप इसके बाहर से देखेंगे तो आपको राइट और लेफ्ट इस तरीके से ही दिखता है कुछ। जब आप एंटर हो जाते हैं तो राइट साइड पे स्टूपा के जाने के लिए जगह है, और लेफ्ट साइड पे ये सामने ही एक रेस्ट हाउस बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बंद है। बाहर से देखने में तो बहुत ही अच्छा है बाहर। तो जैसे आप स्टूपा के लिए जाने लगेंगे तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस आपको बहुत दिखेंगे। अच्छा, खानपुर डैम जाते हुए रास्ते में जितना भी रास्ता आएगा ना, उस पर आपको मौसमी और कीनू जो है उसकी वैरायटी बहुत मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यानी कि वहाँ पे। और हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो है टर्न हो गए थे और रुक के हमने ये पहले, इस वक्त ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अंकल मौजूद थे, एक वहाँ के गेट कीपर, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि यस आप अंदर जा सकते हैं और जो है आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो हम इसके अंदर एंटर हुए और हमने यहाँ पे बहुत सारे ऑरेंजेस देखे। आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट यहाँ पे हर उसमें दरख्त में जो है ना बहुत ऑरेंजेस लगे हुए थे माशाल्लाह से। और सब आप ऑरेंज ऑरेंज देख के जो है, क्योंकि ऑरेंज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट और बहुत ही यमी और टेस्टी होता है। और बहुत ही, ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक ऑरेंज का, आप ये देखें, ये प्लांट वो जो था इसको दरख्त कहेंगे, आई थिंक छोटा सा दरख्त है ये। और इसमें आप देखें कि ये इतना ज़्यादा ग्रीन नहीं था, बट इसमें ऑरेंजेस कितने ज़्यादा थे। और ऑरेंजेस इतने थे कि इनकी जो टहनियाँ हैं ना, इनकी शाखें वो नीचे को लटक सी गई थी। और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही काम यहाँ का माहौल था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे ये सब कुछ देख के।
बताएं बताएं जी। आते हैं बेटा, इसके इर्द गिर्द रूम लगाते हैं। अच्छा, ये सारे इनके मेडिटेशन सेल बने हुए, मेडिटेशन रूम थे। ये आगे इनका मेन इंटरेस्ट था, यहाँ इंटर होते थे। ये इनके बैक साइड पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है, यहाँ इनकी क्लासे थी, बीच में इनका तालाब था। ये इनके सारे छोटे स्तूपे थे, यहाँ मन्नत रखी जाती थी इन स्तूपों में। ये आगे जेवन का स्तूपा था, वेजिटेरियन लोगों का। इसके साथ सारे मुजस्मे लगे हुए हैं, कोई एलिफेंट की शक्ल है, कोई मंकी है। इन्होंने स्तूपा अपने शेडो पे उठाया हुआ है। आशा पीछे आओ बेटा, आप लोग खड़े हुए हैं। सही, यहाँ खड़े हुए सही। ठीक है, ये वाला खाना मेरा। ये सामने वाला जो देख रही है बड़ा, ये जब खोदा गया ना, बहुत मजा आया।
तो थैंक यू व्यूवर्स, आप लोगों ने मेरे साथ दिया, आप लोग मेरे साथ जो है इस यहाँ पे भी ट्रैवल में मेरे साथ रहे। तो वापसी में भी जब हम यहाँ आए थे तो हम ने उनसे परमिशन लेके ये ऑरेंजेस यहाँ से तोड़े थे और जो है ये हम लेके गए थे, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी थे। और स्टूपा पे आप जब आएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये जगह, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे आके, और बहुत ही एक यानी कि नेचुरल व्यूज़ आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ से बस ये हमारा वापसी का सफ़र जो है स्टार्ट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।